तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे द्वारा पूरा का पूरा आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं गणित विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, कई विद्यार्थियों के मैंने कमेंट भी पढ़े तो उसमें कमेंट्स में अधिकतर ऐसे कमेंट्स भी थे जिनका कहना ये था कि सर, आप जो वीडियो बनाते हो वो हमारे यहाँ पर नहीं आया है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षाओं के भी, ये सभी सेट में बन के आ रहे हैं। यानी कि आपने भी जो आपका अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है अंग्रेजी विषय का, उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर त्रैमासिक परीक्षाओं के नीचे ही उसका सेट क्रमांक लिखा होगा। तो दोस्तों, आपको इसके लिए ये करना होगा कि हमारे द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक ही विषय के चार वीडियो अपलोड किए जाएंगे, यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। दोस्तों, आप लोग उस सेट को जरूर देख के जाए। अगर आपने चारों सेट देख लिए तो आप ये समझिएगा कि आपके दोस्तों परीक्षाओं में पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। मगर दोस्तों, होता ये है कि जैसे कि ये वाला जो वीडियो है सेट ए है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये सेट ए वाला पेपर है। अब दोस्तों देखिएगा, एमपी में लगभग 52-53 ज़िले हैं, तो इन ज़िलों में से दोस्तों कुछ ज़िलों में तो सेट ए आ जाएगा और कुछ ज़िलों में दोस्तों अलग सेट आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जहाँ पर सेट ए आएगा वहाँ तो पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें। आपके साथ में ये होता है दोस्तों कि आप सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर जाते हैं और दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि सर ने जो बताया था वो नहीं आया है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको इसके लिए ये करना होगा कि प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखना होगा। दो बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे द्वारा एक ही विषय के लगभग चार सेट उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें से कि दोस्तों लगभग आपके सभी एमपी के आपके पूरे प्रश्न पत्र कवर हो जाते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप एक ही वीडियो देखकर जाओगे तो दोस्तों इसमें तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग प्रत्येक सेट पेपर को देखकर जरूर जाएं। तो देखिएगा, जिन जिन विद्यार्थियों को भी अगर सेट ए मिलेगा तो वहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। आप पूरी तरह से यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं उसके सभी सेट पेपर दोस्तों आपको देखने हैं। अगर आपने दोस्तों सभी सेट पेपर देख लिए तो आप ये समझिएगा कि आपकी पूरी तैयारी यहीं पर दोस्तों हो जाएगी। आपको कहीं और कुछ भी अध्ययन सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। बस आपको ये करना होगा कि प्रत्येक सेट पेपर को जरूर देखना होगा। ये दोस्तों आपका सेट ए है। तो चलिएगा दोस्तों, अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन हम बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सर्वप्रथम आपसे यहाँ से सही विकल्प पूछे जाएंगे। आप लोग इस जगह से देख सकते हो, यहाँ पर जो सही विकल्प दिए जाएंगे आपके गणित के प्रश्न पत्र में, ये 1×6 अंक यानी कि टोटल दोस्तों आपके 6 अंक के होंगे। अधिकतर विद्यार्थियों के लिए गणित एक टफ विषय के रूप में जाना जाता है। लगभग उनको गणित पढ़ना थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, मगर दोस्तों गणित इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। गणित दोस्तों रटने का नहीं, समझने का विषय होता है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से जरूर समझें। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहले क्वेश्चन जो दिया गया है इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, 2q+1 के रूप का। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुपद x²-3 के शून्यक होंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ±√3। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, जब a₁ a₂ = b₁ b₂ और a₁ c₁ c₂ हो तो समीकरण निकाय a₁x + b₁ y + c₁ = 0 तथा a₂x + b₂ y + c₂ = 0 का आद्वितीय हल होगा का कोई हल नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों,
के अनंत अनेक हल होंगे। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा के अनंत अनेक हल होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक दोस्तों आपको देखना है, अगर दोस्तों आपको सेट ए मिलेगा तो पूरा का पूरा दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से बनकर आएगा। आगे आप लोग देख सकते हो, यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मोल है तो के का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 2 होगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए पी माइनस 3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का आ जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका डी नंबर का आ जाएगा, 16:9 होगा। तो आप इस आधार पर इसको चिन्ह लगा के इस पूरा सही कर लें। और उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर भी आपका पूरा अच्छा गया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे अंग्रेजी विषय में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, कोई संख्या पी बाई क्यू जहाँ पी एवं क्यू परस्पर आभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू 0 नहीं है कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं परिमेय संख्या है। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, कैसे संख्या होती है दोस्तों, ये परिमेय संख्याएँ होती है। तो आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे परिमेय संख्याएँ। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बहुपदों का योग होता है। तो दोस्तों देखिएगा, दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो देखिएगा दो बहुपदों का एक बहुपद योग होता है, कितना, एक बहुपद। और एक बात और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि कई विद्यार्थियों को आज जिनको सेट ए मिला होगा, जिनको सेट बी मिला होगा, सेट सी डी जो भी मिला होगा, तो आप ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी कि अगले पेपर में भी आपको सेट ए मिला है तो अगली बार भी आपको सेट ए मिलेगा। और बी वाले भी ऐसा ना सोचें कि हमें बी सेट मिला था तो हमको भी बी मिलेगा। सी वाले भी ऐसा ना सोचें कि हमें सी मिलेगा या डी मिलेगा। दोस्तों चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो भोपाल से पेपर आएंगे, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ए वालों को ए वाला मिलेगा, ए वाले को कभी बी भी आ सकता, सी भी आ सकता, डी भी आ सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ज़िले में ए वाला सेट भेजा जाएगा। तो इसलिए सभी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो यहाँ से इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर। और इस प्रकार से आपको लिख लेना है 4AC। तो इस प्रकार से आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, सभी त्रिभुज होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से आपको लिख लेना समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा आप लोग लिख लेंगे इस जगह से। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। दोस्तों देखिएगा, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बटे 360 और आगे आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों हमेशा शून्य होती है, इस बात के ऊपर आप ध्यान देंगे, क्या होती है दोस्तों, हमेशा शून्य होती है किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी दोस्तों आपसे 1×6 अंक में पूछी जाएगी। चलिएगा दोस्तों, हम जल्दी से सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं कि किस आधार पर दोस्तों आपको जोड़ी का मिलान कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो जोड़ी दी गई है, इसका मिलान दोस्तों आपका डी से हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो जोड़ी दी गई है, इसका मिलान दोस्तों आपका ए से हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो जोड़ी दे रखी है, इसका मिलान दोस्तों आपका एफ से हो जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो जोड़ी दे रखी है, इसका मिलान दोस्तों आपका बी से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 5 नंबर पे जो जोड़ी दे रखी है, इसका मिलान दोस्तों आपका सी से हो जाएगा। और इसका मिलान इससे हो जाएगा।
तो दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से पूरा का पूरा जोड़ी मिलान आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ समझ सकते हो। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन लिखा है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। तो देखिएगा दोस्तों वह समीकरण निकाय जिसका कोई हल होता है इसे कहा जाता है संगत। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे संगत कहा जाता है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है इसके लिए आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख लेना पड़ेगा। देखिएगा समीकरण कुछ इस प्रकार का होगा, अंडर द रूट यहाँ पर आपको लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस आगे होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख लें। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिएगा किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के पारी घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा गोला, इसमें आपको लिख लेना गोला। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका जो समांतर माध्य होगा वो 3 होगा, आप लोग इस जगह से नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, इस बात को तो आप भी जानते हो। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो सत्य असत्य आपसे इस जगह से पूछे जाएंगे। चलिएगा जल्दी से हम सत्य असत्य का देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर यह सत्य होगा या असत्य। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों कौन सा सत्य आपका और कौन सा यहाँ से आपका असत्य हो जाएगा। आप सभी लोगों को दोस्तों इसके लिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको सभी सत्य असत्य और बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सत्य और असत्य। तो दोस्तों देखिएगा आप सभी को इस जगह से सत्य असत्य लगा लेने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 और 5 और 7 का समांतर माध्य होगा। देखिएगा दोस्तों इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, तो ये आपका सत्य होगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है समकोण त्रिभुज में कोण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी और उस बिंदु पर वाई निर्देशांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है ये पूरी तरह से आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है ये पूरी तरह से दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है ये भी आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को सत्य असत्य लगाने हैं जो कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखाए हैं। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस जगह से देख सकते हो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो आप सब लोग दोस्तों इस जगह से नोट कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप इस जगह से देख सकते हो बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी याद कीजिए। ये आपसे 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको नोट करेंगे और पूरी तैयारी इसकी कर लेंगे। पूरा दोस्तों A to Z क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आप सब लोग दोस्तों इस जगह से इसको तैयार कर लें।
ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षा होगा, इसी प्रकार का आएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सब लोग दोस्तों इस जगह से इसको पूरा नोट कर लेंगे। देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है अथवा में। तो आप सब लोग दोस्तों इस जगह से इसको पूरा नोट कर लें। आप पूरी तरह से दोस्तों देख सकते हो आपका जो पेपर होगा बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार का होगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आप सब लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।